Hello, Assalamualaikum. Wasim Ali Advocate here. मैं यहाँ पे एक केस की बात करूँगा कि एक क्लाइंट हमारे पास आए, वो प्रॉपर्टी मैटर था, हमें उस पर उनका वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ हुआ था किसी के साथ, वो था एक्चुअली एक बैंगलो। उस बैंगलो, ये कोई 200 गज का बैंगलो था, तो हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था, सेल एग्रीमेंट। लेकिन वो जो जिनसे ख़रीदा था उनको उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कर रहे थे, मतलब पेमेंट लेके और घर इनको पोजीशन देके उनके नाम पे ट्रांसफ़र करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने से इनकार कर रहा था। तो फिर हमने कोर्ट में एक सूट फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल एग्रीमेंट, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। उसमें यही था कि हमने मांगा कि क्योंकि ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के तहत उनको पाबंद किया जाए डिफेंडेंट को कि वो इनसे पेमेंट ले और घर इनके नाम पे ट्रांसफ़र करके इनको पोजीशन दे दे। तो उस पर नोटिस हुआ, नोटिस के बाद उनकी डिफेंडेंट साइड से आया कोई नहीं, तो कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया, हमें इंटरिम स्टेटस को मिल गया। इस तरह से दो तीन पेशियाँ गुजरी, उस पर उनके नोटिस सर्विस हुए, फिर रिपीट सर्विस हुई, बेलिफ को फिर डायरेक्शन दी गई कि वो पेस्टिंग करे, बेलिफ वहाँ जाके पेस्टिंग करके आ गया। पेस्टिंग के बाद वो पब्लिकेशन तक बात पहुँच गई, अखबार में इश्तहार भी आ गया कि जे उस केस का, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ और जो है वो इस तरह से केस चलता रहा। फिर एक दिन अचानक पता चला कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वो जो डिफेंडेंट है जिसके साथ हमारे क्लाइंट का एग्रीमेंट था, उसने वही बैंगलो किसी और को सेल करके उसके नाम पे ट्रांसफ़र भी कर दिया। मतलब इसकी रीज़न ये थी कि उसने महंगा करके बेच दिया, इसको जितनी रकम में बेचा था, एग्रीमेंट किया था, उससे कोई 20-25 लाख ऊपर उसका आगे एग्रीमेंट हो गया था और उसने आगे बेच के ट्रांसफ़र भी करके दे दिया। अब इसमें फिर ये था कि जब आपके सब्जेक्ट मैटर वो बैंगलो था, उस पर केस में हमें स्टे मिला हुआ था, स्टे के दौरान उसके मालिक ने किसी और के साथ सेल एग्रीमेंट किया, उसको ट्रांसफ़र करके दे दिया और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको उसके नाम पे सेल डीड बना के उसको उसके नाम पे मतलब हो गया, सेल डीड बन गई और जी ट्रांसफ़र हो गया। तो बेसिकली ये केस बन गया ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग स्टेटस को। उस पर ये एक फिर हमने एप्लीकेशन फाइल की हुई है कि कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की, और हमने उसमें यही मांगा हुआ है ऑनरेबल कोर्ट से कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट एंड ड्यूरिंग स्टेटस को ऑर्डर विच इज़ ऑपरेटिव, अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो वो इलीगल करार दिया जाए। अब इसकी सूरत में और उस एप्लीकेशन में मैंने दो बातें लिखी हैं, एक तो ये कि वो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुई है वो टाइटल डॉक्यूमेंट जो अभी नया बना है उसको कैंसिल किया जाए, उसकी कैंसिलेशन मांगी है, और साथ साथ मैंने कंटेंट ऑफ कोर्ट की भी एप्लीकेशन दी है कि क्योंकि डिफेंडर ने कोर्ट के स्टेटस को ऑर्डर को वायोलेट करते हुए उस अपने घर की दूसरी एग्रीमेंट करके दूसरे को के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि पहले ही वो किसी हमारे क्लाइंट को सेल एग्रीमेंट करके उससे एक अच्छी खासी रकम भी ले चुका है एज़ पर द एग्रीमेंट। तो अब इसमें उस पर हमें नोटिस हुए हैं, उनको नोटिस इशू हुए हैं, और ये जो अब डिफेंडेंट ये काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में आ चुके हैं कि एक तो ड्यूरिंग स्टे उन्होंने ओनरशिप टाइटल ऑफ दी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, और दूसरा उसी में फिर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट भी बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगी, ना सिर्फ ये कि उनका वो ट्रांसफ़र इलीगल करार दिया जाएगा बल्कि ये भी होगा कि इनको फिर कंटेंट ऑफ कोर्ट की सज़ा भी भुगतना पड़ेगी, जो कि हो सकता है उनको जेल भेज दे, हो सकता है उस पर फाइन लग जाए। ये तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट कंटेंट ऑफ कोर्ट की क्या सज़ा देती है। थैंक यू।